हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में ममताज फ्लेवर। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है। लॉकडाउन है तो घर में बच्चों को कुछ ना कुछ नया खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नए तरीके से घर के ही सामान से ये केक बना लिया जाए। तो आप भी इसी तरीके से इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा बाहर का सामान नहीं डाला है, बस घर में ही पड़े हुए सामान से बना रखा है। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। अब हम एक बड़ा बोल ले लेंगे, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल डाल लिया है। एक बोल शुगर ले लेंगे, शुगर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम एक छन्नी रख देते हैं ऊपर से बोल के ऊपर। उसमें हम डाल देंगे एक बोल मैदा। अब उसमें आधा टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। हाफ बोल मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप हाफ बोल मिला के कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें आधा कप मिल्क डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। थोड़ा सा दूध मैंने और डाल लिया है ताकि एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। ऐसा बैटर तैयार करना है, आप दूध डाल लीजिए अगर आपको थोड़ा और ज्यादा चाहिए तो। अब एक ऐसा स्टील का बोल आपके घर में कोई ऐसा होगा तो आप उसमें ऑयल लगा लीजिए और उसे डस्ट मैदे से डस्ट से चारों तरफ मिला लीजिए। अब हम इसमें एक बैटर डाल देंगे अपना। इसे टैप कर लेंगे अच्छे से हाथों से ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रह जाए। आप आपके घर में कढ़ाई, कुकर या कुछ भी ऐसा हो, भिगोना सा हो, आप उसमें नीचे से तली में नमक डाल दीजिए और ऊपर से स्टैंड रख लेंगे। मैंने इस पे गैस पे 10 मिनट के लिए पहले ही गर्म करने रख दिया था। अब हम इसमें अपना बैटर डाल लेंगे। अब इसे ढक के रख देंगे लो फ्लेम में कम से कम 25 से 30 मिनट तक। पच्चीस तीस मिनट बाद मैंने चेक किया तो बैटर हल्का सा बीच में से गीला था, टूथपिक से चेक किया था, तो इसे मैंने 5 मिनट के लिए और रख दिया। अब हमारा केक बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे ऐसे निकाल लेंगे बर्तन को उलट करके। अब हम गैस पे पैन रख लेंगे, उसमें हम आधा कप मिल्क डाल लेंगे।
जब हमारा दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए, अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी पाउडर डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो करके अब हम उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल लेंगे। इसमें हल्का सा गुनगुना दूध डाल के इसे मिक्स कर लेंगे कटोरी में। अगर ये ना हो तो आप यहाँ पर भी मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की फ्लेम लो है, अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपने कस्टर्ड का घोल डाल लेंगे। हम इससे क्रीम बना रहे हैं ताकि हम अपने केक को थोड़ा सा डेकोरेट कर ले। अब बाजार बंद है, वाइपिंग क्रीम वगैरह तो नहीं मिल पा रही है, तो मैंने सोचा ऐसे ही केक को डेकोरेट कर लेंगे। अब हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है, अब हम इसे एक बोल में उतार लेंगे। अब हम इसे केक के ऊपर ऐसे डाल के ऐसे चारों तरफ लगा लेंगे। अब मैंने घर की मलाई रखी हुई थी, मैंने उसको एक कटोरी में ले लिया है। उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी मिला ली है, चीनी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें जो हमारे कस्टर्ड का जो घोल तैयार हो गया था, जो मिक्सर, वो उसमें डाल लेंगे 1-2 चम्मच। इसे भी हम अपने केक के ऊपर लगा लेंगे, इससे केक का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ ड्राई फ्रूट्स होंगे तो आप वो डाल सकते हैं इसमें। और मैंने थोड़ा चॉको चिप से इसे डेकोरेट कर लिया है ताकि बच्चों को देखने में भी अच्छा लगे और वो खाने में भी इसे पसंद करें। देखिए, इस तरीके से आप घर के ही सामान से, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, उसी तरीके से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो तैयार हो गया हमारा ये केक, तो आप भी घर में इसी तरीके से बनाइए लॉकडाउन में केक। जो भी घर की चीजें आप उससे इसे डेकोरेट कर लीजिए। आप भी घर पे जरूर ट्राई करिए ये केक और बच्चों को खिलाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।